और बीजेपी सिंबल पर अकेली पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें आपने रखी हैं इस बार? 40 वार्ड में किस तरह का रिजल्ट आने वाला है और किस तरह की स्थितियां आने वाले टाइम में जो है रिजल्ट के बाद सामने आएंगे? देखिए, फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, वो अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और 40 वार्डों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और पूरे देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों पर लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब पर जनता मोहर लगा रही है। ताजा उदाहरण आज का ही चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव, जिसमें 3/4 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई है और निश्चित तौर पर फरीदाबाद में भी यही तरह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी 3/4 से अधिक जीते भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में जीतेगी, ये तय है। इसीलिए कांग्रेस मुकाबले से भाग रही है। कांग्रेस पूरे देश में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, चाहे चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, सब जगह, हिमाचल का हो, लेकिन फरीदाबाद में उस सिंबल पर लड़ने से इनकार कर रही है। उसको मालूम है कि इस बार निश्चित तौर पर पूरा माहौल मोदी में है, मोदी जी की नीतियों पर देश की जनता लगातार मोहर लगा रही है, इसलिए वे चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। बात करें आपके बेटे देवेंद्र चौधरी जी की, जो कि 27 वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी अपना कैरियर जो है पहली पाठशाला जो है पार्षद के रूप में जीतकर आज आप इस मुकाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचे हैं, तो उनको भी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने पद चिन्हों पर पहला चुनाव आप उनका लड़वाने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह का उत्साह है यहाँ के वोटर्स में? देखिए, मेरे सुपुत्र ने निगम का चुनाव लड़ने की पार्टी के सामने इच्छा जाहिर की है। अब ये पार्टी तय करेगी उसको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये सब कुछ पार्टी के हाथ में है। पार्टी जो आदेश देगी वो वही करेगा जो पार्टी चाहेगी। लेकिन जहां तक सवाल पूरे निगम क्षेत्र का है, तो पूरे निगम क्षेत्र में हम पार्टी का पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और निगम के प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया भी आखिरी दौर में पहुंच गई है। बहुत जल्दी ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और मैं समझता हूं सबसे पहले चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शुरू कर दिया है। वार्ड 27 की बात करें तो निगम के मुताबिक 26,060 वोट हैं, जिसमें जो है लगभग पुरुषों और महिलाओं के लगभग बराबर वोट आ रहे हैं। ऐसे में तमाम शहरी इलाका माना जाता है, सेक्टर एरिया है इस वार्ड का, अगर देखा जाए तो एक बहुत करीब वार्ड है ये, तो ऐसे में जहां बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप मानते हैं कि यहां पर ये जीत बीजेपी की इस वार्ड से बहुत बड़ी होने वाली है? देखिए, ये वार्ड अगर कोई एक आध मौका छोड़ दे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में जीती है और मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा, मुझे विश्वास है कि 27 वार्ड की तरह ही तमाम वार्डों में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से नगर निगम चुनाव। विपक्षी पार्टी की बात करें तो वो मनसूबा पाले बैठे थे कि नोटबंदी का असर जो है दिखाई देगा, भाजपा के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन बात करें आपके व्यू की तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का मंसूबा वो नोटबंदी का पाले बैठी हैं विपक्षी पार्टियां, उनके मंसूबे कहां तक पूरे होंगे या धरे के धरे रह जाएंगे? देखिए, विपक्ष पर कहने के लिए कुछ नहीं है, ये वही पार्टियां नोटबंदी का विरोध कर रही हैं जो काले धन वालों की समर्थक है और देश की जनता मोदी जी के फैसले के साथ है। उसका उदाहरण नगर निगम चुनाव, चंडीगढ़, राजस्थान के सिविक बॉडी के चुनाव, मध्य प्रदेश के सिविक बॉडी के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, मध्य प्रदेश के, गुजरात के चुनाव, ये सब सिद्ध कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद भी जो भी सिविक बॉडी में चुनाव हो रहे हैं उनमें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लोग मोदी जी के नोटबंदी के फैसले के साथ हैं, उससे सहमत हैं।
मतलब ये टिकट कब तक घोषित करोगे बीजेपी की? भाई पार्टी की बैठक बहुत जल्दी होने वाली है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही उम्मीदवार। देखिए मैं समय सीमा नहीं कर सकता, लेकिन विड्रॉल से पहले पहले, नॉमिनेशन से पहले पहले, 27 से पहले पहले पूरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो जाएगी। मंत्री जी एक सवाल है, 40 वार्ड हैं, आप क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा फरीदाबाद के? विकास 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 और सुशासन, आदरणीय मोदी जी का यही कहना है और यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा फरीदाबाद का है कि हम फरीदाबाद जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा फरीदाबाद स्मार्ट बने, यहाँ के विकास के काम गति पकड़े। और आप देख भी रहे हैं, आप देखेंगे आपको बदलता फरीदाबाद नजर आ रहा है, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे पुलों की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, पीने के पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में नए नए इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद में आ रहे हैं। और हमारा सिर्फ यही कहना है फरीदाबाद को एक फिर से उस मुकाम पर पहुंचाना है विकास के मामले में जहां पहले कभी उसकी गिनती होती थी। और हमें उम्मीद है आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और फरीदाबाद विकास के मामले में नंबर वन नगर बनेगा। फरीदाबाद के वार्ड की बात करें तो मुख्य समस्याएं जो सामने आती हैं जो लोगों के मुंह से, सीवर, सड़क, नाली, खड़ंजा, ट्रैफिक जाम, ये पांच मुद्दे जो हैं लोग जो है अपनी जुबान पर लाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये स्थितियां कैसे बेहतर होंगी? देखिए कांग्रेस का राज लगातार 10 साल यहां पर रहा, फरीदाबाद की क्या हालत थी सबने अपनी आंखों से देखी। बीजेपी को पहली बार देश में प्रदेश में अपने बूते पर सरकार बनाने का मौका मिला है, उसके बाद जिस तरह से विकास में गति आई है और गति भी नहीं तेज गति आई है हर क्षेत्र में, पीने के पानी के लिए हमने सारी योजनाएं क्या उनको इम्प्लीमेंट कर दिया बहुत जल्दी ही, फरीदाबाद में पीने के पानी की कमी नहीं है, सड़कें यहाँ की दुरुस्त हो जाएंगी, सीवरेज सिस्टम के लिए पूरा हमने पैसे का इंतजाम कर दिया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, सड़कें यहाँ की बहुत साफ सुथरी होंगी, एजुकेशन के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आ रही है लोकसभा में, नए नए कॉलेज लेके आ रहे हैं, लॉ कॉलेज लेके आ रहे हैं, नोएडा से जोड़ने के लिए मझावरी पुल का बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजें NH2 देखिए अभी 6 महीने बाद आप 5 मिनट में बॉर्डर से बल्लभगढ़ पहुंच जाएंगे, तो सारे काम आदरणीय मोदी जी मनोहर जी के नेतृत्व में फरीदाबाद के विकास के लिए चल रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा हमारे चुनाव का एक ही मुद्दा है फरीदाबाद का विकास और सुशासन। थैंक यू वेरी मच।